ज्यादातर लोगों को एक प्रॉब्लम आती है कि वो अपने प्रोस्पेक्ट को एक से दो मीटिंग तो दिखा देते हैं, बट उसके बाद में उनका जो प्रोस्पेक्ट होता है ना वो रेगुलर ही नहीं होता। मतलब कि आपकी कॉल पिकअप करना बंद कर देता है, आपको टोटली इग्नोर करता है, ब्लॉक कर देता है। आखिरकार इसका रीजन क्या होता है? इसका सिंपली एक ही रीजन होता है कि आपका जो भी प्रोस्पेक्ट है ना, आपने उसको अपने प्लेटफॉर्म की क्लैरिटी नहीं करवाई ठीक तरीके से। तो आपका यहाँ पर कमी कहाँ पर है? कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हो फॉलोअप के अंदर। जब आपका पर्सन आपकी फर्स्ट प्रेजेंटेशन लगाता है, उसके बाद में आपसे वो बात करता, तो उसी टाइम आपको ऐसे कौन कौन सी बातें हैं जो अपने प्रोस्पेक्ट को बोलनी है, एक प्रॉपर लेवल पर उसका फॉलोअप किस तरीके से लेना है। सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं अपनी प्रॉपर कॉल रिकॉर्डिंग आप लोग को सुनाऊंगा कि मैं किस तरीके से अपने प्रोस्पेक्ट का यहाँ पर फॉलोअप लेता हूँ, और फॉलोअप के अंदर ही अपने प्रोस्पेक्ट को मैं उसके अंदर इतनी क्यूरियोसिटी जगा देता हूँ कि मेरा जो पर्सन होता है ना वो पूरा क्लोजिंग तक जाता है। तो आपको किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट करना है, सो पूरी कॉल रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनना, कुछ पॉइंट्स वहाँ पर नोट डाउन करना है कि मैं कौन से उसको एग्जाम्पल देता हूँ और किस तरीके से जो मेरा प्रोस्पेक्ट होता है। काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन होते हैं कि सर जो पर्सन होता है ना हमारे साथ, तो ओपन नहीं होता, तो किस तरीके से मैं उसको ओपन करता हूँ। सारा कुछ आप प्रॉपर डायरी एंड पेन के साथ में नोट डाउन करते रहना। सो ज़्यादा टाइम वकील नहीं करेंगे, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी अंकित जी, वीडियो कंप्लीट कर लिया आपने? हाँ जी सर, मैंने कंप्लीट कर लिया सर। चलिए डिटेल, बहुत ही बढ़िया बात है। तो अंकित जी, आप मुझे बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जो आपको काफी अच्छे लगे सेशन के अंदर? हाँ हाँ सर बिल्कुल। देखो सर, मेरे को इसमें काफी चीजें अच्छी लगी थी। सर उसमें बिजनेस के बारे में भी बताया था एंड जॉब के बारे में भी बताया था, तो मुझे बिजनेस के बारे में बहुत अच्छा लगा सर। और सर एक टाइम वो था सर कि जहाँ पे बहुत कम पैसे में घर चलता था, लेकिन आज नहीं चलता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। और सर हम इसको पार्ट टाइम कर सकते हैं सर, घर बैठ के कर सकते हैं सर इसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये सब चीजें मेरे को अच्छी लगी थी सर इसमें। बिल्कुल डियर, देखो काफी अच्छे से आपने सेशन को, मैं एक बात बोलूं तो, कंप्लीट किया है, देखा है, तभी आपको जो पॉइंट्स हैं डियर आपको याद है। देखो सबसे पहले सर ने बात की होगी वहां पर कि एक जो हमारा पुराना समय था, मैं बात करूँ जो हमारे नाना नानी का समय था, तब इतनी महंगाई नहीं थी और घर हमारा जो था वो 10 रुपए में भी चल जाता था। हाँ सर बिल्कुल सर। उसके बाद समय आगे बढ़ा, समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी और उसके साथ ही महंगाई भी बढ़ी। समय के साथ महंगाई बढ़ी डियर, फिर घर चलाने के लिए 100 रुपए भी कम पड़ते थे, उसके बाद 1000 रुपए भी कम पड़ने लगे, और आज के टाइम अगर मैं बात करूँ 10,000 रुपए भी घर चलाने के लिए कहीं ना कहीं कम पड़ते हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं नहीं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। अंकित जी अपने बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए डियर, आपने बताया था कहाँ से बिलोंग करते हो वैसे आप? जी मैं सर अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ वैसे। अच्छा, और आपके फादर क्या करते हैं? जी पापा जी तो मेरे सर फार्मर हैं, तो वो किसान करते हैं, मैं भी पापा जी के साथ ही काम करता हूँ। तो अच्छा, और कौन कौन है डियर फैमिली में आपकी? फैमिली में सर मैं हूँ, छोटा भाई है, सिस्टर है, मम्मी पापा जी। अच्छा अच्छा, तो मतलब अभी आप क्या करते हो, स्टडी वगैरह कुछ? हाँ हाँ सर, अभी मैंने ग्रेजुएशन फाइनल की है सर। अच्छा, तंकी जी कुछ सोचे आपने मतलब ग्रेजुएशन के बाद क्या करोगे? हाँ सर, मैं आर्मी की प्रिपरेशन वैसे करता था सर, तो मैं अभी तो उसी की रनिंग वगैरह करता हूँ। और सर मैंने फॉर्म भी फिल कर रखे हैं जैसे यूपी पुलिस वगैरह के। अच्छा, तो अभी मैं कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर उसके तो साथ। बहुत अच्छी बात है। बाकी डियर देखो, अभी आपने एक बात बोली थी कि सर मुझे एवर किस वजह से भी अच्छा लगा क्योंकि हम इसको ना पार्ट टाइम में कर सकते हैं। तो मैं देखो डियर आपको बता दूं, ये जो हमारा वर्क है ये कोई जॉब नहीं है, ये एक तरीके का बिजनेस है, ठीक है? तो कभी भी अपने माइंड में ये मत लाना कि ये कोई जॉब है आपको करनी है, ये एक बिजनेस है। आप चाहो इसको फुल टाइम दे सकते हो, आप चाहो तो इसको पार्ट टाइम दे सकते हो। ओके जी सर। और सर सर ने सेशन के अंदर काफी चीजें बताई होंगी आपको, जॉब एंड बिजनेस के बारे में सर ने क्लैरिटी करवाई होगी कि आज के टाइम में अगर मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर 95% लोग जॉब की कैटेगरी में आते हैं और जो कि 5% लोग होते हैं डियर वो बिजनेस की कैटेगरी में आते हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल, लेकिन सही कह रहे सर। जो जॉब पर्सन होता है, माइंड मत करना डियर, आपको आर्मी में जाना काफी अच्छी बात है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बट जो एक जॉब पर्सन होता है उसके पास में ना एक अच्छी इनकम होती है। अगर मैं बात करूँ डियर, उसकी मंथली इनकम 30,000 रुपए भी है तो उसका खर्चा भी फिक्स है कि मेरा 30,000 में कटते कटते कितना पैसा कहाँ पर जाना है, कितना मुझे फैमिली में भेजना है, कितना मुझे अपने लिए करना है, राइट? सर आज के जमाने में तो 30,000 कुछ भी नहीं है सर, अगर सोची जाए तो सर। बिल्कुल समझ रहे हो आपको, देखो इस चीज के लिए क्लैरिटी भी है। तो जॉब में ना डियर आपको एक अच्छी इनकम मिलती है, ना एक अच्छा लाइफ स्टाइल मिलता है। भाई 30,000 रुपए में
कौन सा इंसान एक अच्छा लाइफ स्टाइल फोकस कर सकता है, राइट? बिल्कुल सर, मैं बात करूँ बिल्कुल यार, ना ही टाइम फ्रीडम होती है अगर आप जॉब पर हो। अगर आपको अपने फैमिली के साथ टाइम बिताना है तो आपको वहां पर छुट्टी लेनी पड़ेगी, और वहां पर फिर आपकी जो इनकम होती है वो कट हो जाती है। मैं बात बिल्कुल कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं कर रहा, मैं प्राइवेट जॉब की, डियर हर सेक्टर की मैं अगर बोलूँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? जी सर, बट डियर बिजनेस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपके पास पूरी टाइम फ्रीडम होती है, जब आपका मन करे तब काम करो, फैमिली के साथ बाहर जाना है तब काम करो। अगर एक बार आपने अपना सिस्टम बिल्ड कर दिया कि तो वहां से आपको ऑटोमेशन में पैसा आने लगता है। तो बिल्कुल आप सर, मुझे बिल्कुल बताना अंकित जी डियर, कि जॉब करनी चाहिए हमको या फिर बिजनेस करना चाहिए? सर। अगर सपने पूरे करने हैं तो सर मैं तो बस जॉब छोड़ो सर, बिजनेस ही करना चाहूंगा सर। क्या बात है डियर, क्या बात है। तो वैसे मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि सर ने बिजनेस के बारे में क्या क्या चीजें बताई? हमारी जो कंपनी है, मैं आपको बता दूं डियर, उसका नाम है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है? जी सर, और ये कंपनी अगर मैं बात करूँ तो आज के टाइम में 154 से भी ज्यादा कंट्री में वर्क कर रही है, और इसको आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो। और अगर मैं हाँ बात सर, करूँ डियर, तो लास्ट 45 ईयर से वर्क कर रही है। अच्छा, अब आपके माइंड में डियर ये क्वेश्चन आया कि हमें यहाँ पर काम क्या करना होगा? हाँ जी सर, इसमें सर क्लियरिटी पूरी चीज़ है कि नहीं हुई थी कि सर काम क्या करना होता है सर। देखो मैं बताता हूँ डियर, आपने अभी ग्रेजुएशन किया बताया आपने, जी सर क्या बिल्कुल, आपने ग्रेजुएशन एक दिन में कर लिया था? ठीक, नहीं सर एक दिन में तो नहीं सर, 3 साल वहाँ पे दी थी सर मैंने प्रॉपर। अगर मैं अपनी बात करूँ डियर, मैं भी ग्रेजुएट हूँ और हमने 3 साल वहां पर दिया, तब जाकर हमको स्टेप बाय स्टेप डियर जो है समझ में आया, ठीक है? तो जी इन सर, शॉर्ट मैं आपको डियर अभी बता देता हूँ कि हमारा जो यहाँ पर वर्क है जस्ट एडवाइजिंग का वर्क है, ठीक है? जैसा कि हम बचपन से करते आए हैं, कोई डॉक्टर है बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करता है डियर, उसके बारे में हम अपने अड़ोस पड़ोस में हर जगह पर बताते हैं, रिश्तेदारों में बताते हैं कि आप ना उस डॉक्टर के पास जाना, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करता है वो। बट अगर हम बात करें तो हम उसकी इनडायरेक्टली प्रमोशन कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं लोगों को, वहां से हमें कोई इनकम नहीं आती। तो डियर बिल्कुल ठीक इसी तरीके से ये जो हमारा बिजनेस है, मुझे पता है जस्ट आपका पहला वीडियो था, आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो इसके लिए मैं अगर बात करूँ, आपकी प्रॉपर यहाँ पर 3 दिन की ट्रेनिंग चलेंगी, जहां पर आपको लेवल बाय लेवल बताया जाएगा कि कैसे आपका वर्क स्टार्ट होगा, आपके यहाँ पर इनकम कैसे स्टार्ट होगी, आपका वर्क कैसे स्टार्ट होगा, छोटा सा इंटरव्यू भी होगा आपका, और उसके बाद में डियर आपको पूरा एग्जैक्टली मैं बताऊंगा कि वर्क कैसे करना है, क्या करना है। तो अभी आप अपनी लर्निंग पर फोकस करो, इन शॉर्ट में मैंने बोल दिया जो आप डियर बचपन से करते आए हो, एडवाइस देने का वर्क वही करना है। किस चीज की एडवाइस देनी है? फॉर एवर की देनी है, और कैसे करना है क्या करना है सारा कुछ आपको मैं बताऊंगा, ठीक है? जी सर, ठीक है, कोई डाउट बिल्कुल, कुछ पूछना हो आपको? नहीं नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पूछना सर, क्लियर है सर। चलिए अंकित जी, तो राइट नाउ अंकित जी मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो सेंड कर रहा हूँ, जिसके अंदर आपको फॉरएवर की और भी ज्यादा डीप नॉलेज हो जाएगी, ठीक है? और वो वीडियो कंप्लीट करके आप मुझे डन का मैसेज कर देना, और मैं अभी यहाँ पर आपकी सीट कंफर्मेशन के लिए भेजता हूँ। अगर आपकी सीट रजिस्टर्ड हो जाती है तो मैं आपको कॉल करके बता दूंगा, ठीक है? ओके सर, ओके सर, बिल्कुल और सर, कुछ पूछना है अंकित जी आपको? नहीं नहीं सर, मेरे को सब क्लियर है सर। चलिए जी, कोई इशू वाली बात नहीं। बाकी अगर कोई भी डियर डाउट आए ना, मैं इतना ही बोलूंगा आप मुझसे पूछ लेना, और जब तक आपकी ट्रेनिंग चलेंगी तब तक आप इसके बारे में अभी किसी से मत बताना। देखो मैं बात बता दूं डियर, कि कंपनी के बारे में लोगों के माइंड में बहुत ही ज्यादा निगेटिविटी भरी हुई है, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, बट हकीकत कुछ और ही होती है, ओके? सर आजकल लोगों के पास नॉलेज नहीं होती सर, इन्फॉर्मेशन होती है, वो बाहर से इधर उधर से सुन लेते हैं, वही बातें सर बोलते हैं गांव में, तो आपको पता सिंपल, ही है सर कितने लोग होते हैं। बिल्कुल वही बात है कि उनके पास जस्ट इन्फॉर्मेशन है, उनके पास में नॉलेज तो है ही नहीं ना। तो आप डियर जब तक भी ट्रेनिंग आपकी चलेंगी, किसी की सुनना नहीं, किसी को कुछ बताना नहीं, अभी अपने आप पर फोकस करो, क्योंकि अभी अगर आप बता दोगे डियर तो हो सकता है कि लास्ट में कुछ लोग आपको मना कर दें, निगेटिव कर दें आपको डियर, तो आपको पता भी नहीं है कि आप मतलब कि कितना अच्छा एक चांस खो सकते हो अपनी लाइफ को चेंज करने का, कुछ भी आप बोल लो, ठीक है? जी सर, तो पहले अपॉर्चुनिटी को समझिए, क्या चीज़ है, कैसे मेरे लिए हेल्पफुल हो सकती है, और फिर मैं आपको गाइड करता हूँ, ओके? चलिए ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, डियर, मोस्ट वेलकम, ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का, ओके? ओके ओके जी सर, ओके। डियर। एज यू कैन सी गाइस कि मैंने अपने प्रोस्पेक्ट का प्रॉपर लेवल पे फॉलोअप लिया, उसने जो जो भी आप प्रेजेंटेशन अंदर देखा था मैंने सब कुछ दोबारा से रिवाइंड करवाया। क्योंकि होता क्या है, देखो प्रेजेंटेशन के अंदर वो देखकर आया है, बट वो पार्टनर किसका, मेरा है, तो मैं उसको अपने वर्डों में उसको समझाऊंगा, ताकि अगर उसके मन में कोई भी डाउट आ रहा है ना उसे पूछ सके। मैंने वहां पर ओपन वाले क्वेश्चन से पूछे, मैंने उससे रिस्पांस मांगा, क्या मैं सही कह रहा हूँ अंकित जी? तो उन्होंने सामने से रिस्पांस किया। अगर आप अपने पर्सन से पूछोगे ही नहीं तो रिस्पॉन्स कहाँ से करेगा?
साथ में मैंने उसे वर्क के बारे में समझा दिया कि आपको यहाँ पर 3 से 4 दिन की प्रॉपर ट्रेनिंग्स लगेंगी। और देखो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है, आपने समझाया बट आपको जो प्रोस्पेक्ट होता है ना वो तरह तरह के लोगों से मिलता है, वहां पर वो लोग उसे निगेटिव कर देते हैं। मैंने उसके लिए भी उससे पहले ही मैंने वॉर्न कर दिया कि जब तक आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होती आप किसी को नहीं बताओगे, ठीक है। तो ऐसे आपको जो भी मैंने पॉइंट्स बोले, जो गलती अभी तक आप कर रहे थे, जो चीज़ें आप नहीं कर रहे थे, वो आपको स्टार्ट करनी है अब अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में। उससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। सो मेक श्योर वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको मेरे हर वीडियो की अपडेट जो वो मिलती रहेगी। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।